सर नग्न तो पाकिस्तान का एक क्रिकेटर दानिश कनेरिया लगातार कर रहा है। आरफा खानम जैसे लोग जो यहां रह करके ये एमयू में शाहीन साजिश के समय में एजेंडा चलाती थी कि देखो हिंदुओं को हमें इस्तेमाल करना है, ये वीडियो वायरल हुआ था, हमने दिखाया भी, हमें इनको इस्तेमाल करना है। और ये लोग यहां के जो लेफ्टिस्ट हैं ये आरफा खानमों के साथ भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। इस खेल को एक एक चीजों से ज्यादा आज चौंकाने वाला, सर आपने एक ट्वीट किया, रिट्वीट मैंने कर दिया है, वो हाँ भारत, ये मोदी जी के प्रवक्ता हैं, ये समाजवादी पार्टी से आया है, और मुझे लगता है कि आज के बाद इस शो के बाद यदि गौरव भाटिया को हटाया नहीं गया, ये जरूरी ये है कि गौरव भाटिया को प्रवक्ता पद से, आज हम लोग मुहिम चला रहे हैं, इस व्यक्ति को प्रवक्ता पद से तत्काल हटाया जाए। ये छवि खराब करता है, ये गुंडई करता है टेलीविजन चैनल पे, ठीक उसी ढंग से समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। आपका ये क्या लिख रहा है सर, आपने लिखा ये पीएम मोदी भाजपा हिंदुओं के आस्तीन के असली सांप है। दानिश कनेरिया के मामले में जो इसने ट्वीट किया है, उस ट्वीट ने एक तरह से दानिश कनेरिया पर हमला कर दिया है, इसकी वजह क्या नजर आ रही है आपको सर? मनीष जी, मैं बता दूं, ये अंग्रेजी में मैंने इसका ट्रांसलेट करके रखा हुआ है ट्वीट, किसने कहा क्या है, इसने कहा क्या है, पहले जरा पृष्ठभूमि समझ ले। कल हम लोगों ने बताया था कि दानिश कनेरिया ने उसको धो दिया था आरफा खानम को, तो आज दिल्ली के चार पांच दलाल, वही खैराती गैंग सब उसके ऊपर टूट पड़े, और वो दानिश कनेरिया अकेले लड़ रहा था और इन सबका मुंह बंद कर रहा था। वो अभी बताऊंगा उसने क्या कहा। लेकिन उसमें मनीष जी अचानक ये गौरव भाटिया फाट पड़ा, ये आस्तीन का सांप, भाजपा की आस्तीन का सांप, प्रधानमंत्री मोदी की आस्तीन का सांप। क्या जेपी नड्डा को कोई शर्म आएगी, या जो हिंदुत्व के ठेकेदार भाजपा में बैठे उनको कुछ शर्म आएगी? इस आदमी पर कोई एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे? जरा बताता हूं मनीष जी, इसने इसने दानिश कनेरिया को धमकाया है, और किसके लिए? उस आरफा खानम के लिए। इसका मैं पढ़ के सुनाता हूं मनीष जी, जरा उसके बाद दर्शक फैसला करें और इस आदमी के पीछे पड़ जाइए। इस आदमी को कोई अधिकार नहीं है कि ये भाजपा का सदस्य भी रहे। प्रवक्ता तो बहुत बड़ी बात है, और अगर भाजपा इसको अपनी पार्टी में प्रवक्ता बना के रखती है तो समझिए वो हिंदुओं की पीठ में छुरा मारेगी, हर उस हिंदुस्तानी के पीठ में छुरा मारेगी जो भारत के सैनिकों के साथ खड़ा होता है सीमा पर, उसके सुख दुख का साथी होता है, उसके पीठ में छुरा मारेगी इस तरह के गद्दारों को रख के। मनीष जी, इसने कहा कि जब आ, 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 वो दानिश कनेरिया लड़ रहा था आरफा खानम से, तो इसने कहा कि मिस्टर दानिश कनेरिया, अच्छा होगा यदि आप पहले अपना घर ठीक कर लें। ने हमारे देश की गलत आलोचना की, लेकिन हमारा रिश्ता उस धर्म से परिभाषित नहीं होता जिसे हम मानते हैं, बल्कि उस देश से परिभाषित होता है जिसे हम प्यार करते हैं, वो है हमारा भारत। यहां तक कि जब उनमें बहुत कम होती हैं, तब भी हम दोनों के समान विश्वास के बजाय एक साथी भारतीय के साथ खड़े होने का मैं फैसला करता हूं। यह निश्चित रूप से प्रत्येक नागरिक को यह दिखाने में मदद करेगा कि हमारे देश के लिए प्यार का बंधन हमेशा धर्म के बंधन से अधिक मजबूत होना चाहिए। कभी भी किसी साथी भारतीय को परेशान करने की हिम्मत न करें, अन्यथा आप भी क्रिकेट की गेंद की तरह मैदान से बाहर फेंक दिए जाएंगे। ये कह रहा है ये, और इस इसने दानिश दानी कनेरिया के ट्वीट को इसने रीट्वीट करके उसके बाद इस तरह से घटिया जवाब दिया है आरफा खानम जैसे जिहादन के साथ। ये गौरव भाटिया ये हमेशा टेलीविजन चैनल पे बदतमीजी कर रहा होता है और एक तरह से भाजपा को बदनाम करता है, मोदी के प्रवक्ता जो है इस तरह से बदनाम करते हैं, इसीलिए कह रहा हूं मैं बात भी रिपीट कर रहा हूं सतीश जी को बीच में रोक करके, ये मुहिम चलाइए कि इस आदमी को तत्काल प्रभाव से प्रवक्ता पद से हटाया जाए। पहले ये मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहा है राष्ट्रवादियों का, और इसका इसकी जो पैदाइश हो चुकी, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है इसलिए मैं बहुत अच्छे तरह से जानता हूं इसे, बहुत अच्छे तरह जानता हूं इसे, इसीलिए तत्काल प्रभाव से पहले से प्रवक्ता पद से हटाया जाए, ये हमारी मांग होनी चाहिए। और आप सब जो 4-5 हजार लोग अभी देख रहे हैं, बाद में जो लाखों लोग देखेंगे, ये रिट्वीट कीजिए, इस सोशल मीडिया पर मुहिम बनाइए, इस आदमी को हटाया जाए प्रवक्ता पद से सबसे पहले। मनीष जी, इसको इसको जूता ऐसा जवाब दिया फिर दानिश कनेरिया ने, जब इसने उसको धमकाया कि तुमको उठा के फेंक देंगे मैदान से बाहर कर देंगे, तो दानिश कनेरिया ने फिर इसको जवाब दिया कि मिस्टर दानिश, मिस्टर गौरव भाटिया, लेट पीपुल डिसाइड हु विल बी थ्रोन आउट ऑफ एरिना, यू विल नॉट डिसाइड माई फेट। बाय द वे, कीप रीडिंग रिप्लाइज टू दिस ट्वीट, पीपुल आर वेलकमिंग योर सपोर्ट टू आरफा खानम। उसने मजाक किया कि तुमने जो कुकर्म किया है आरफा खानम के समर्थन में नंगा नाचने का, उसका उसका जाके अपने उसमें कमेंट बॉक्स में पढ़ लो कि लोग किस तरह से तुमको रिप्लाई कर रहे हैं। और मनीष जी, इस गौरव भाटिया को शर्म नहीं आई? दानिश कनेरिया अपने लिए नहीं लड़ रहा था, दानिश कनेरिया ने इस आरफा खानम का गिरे बांध क्यों पकड़ा था मनीष जी?
जरा वो भी बता दूं दर्शकों से कि आरफा खानम ने क्या कुकर्म किया। एक सेकंड रोकूंगा आपको, ये दिखा देता हूं कि दानिश ने कितना सही कहा। लोगों ने जब कहा कि तुम समाजवादी पार्टी में ठीक थे और सबके सब इसको झुटिया रहे हैं इस प्रवक्ता को, तो मुझे लगता है कि बीजेपी जेपी नड्डा इसको गंभीरता से लेंगे और यदि जनता की आवाज नहीं सुनेंगे तो इसके लिए भुगतेंगे। इस दानिश करे जिस तरह से इसने दानिश करेरिया को छेड़ा है। जी नहीं मनीष जी, इसको दर्शक जान लेंगे ये गौरव भाटिया किस कुकर, ये किस कुकर में चलिए उसके साथ साथ दे रहा था। दानिश करेरिया तो कुत्ते ने नहीं काटा था, दानिश करेरिया ने आरफा खानम को जवाब दिया था। जब आरफा खानम ने ट्वीट किया था, उसने क्या ट्वीट किया था उसका भी मैंने आज ट्रांसलेट करके रखा मनीष जी, कि विश्व कप मैचों के दौरान कई भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के निंदनीय व्यवहार से मुझे भारतीय होने में शर्मिंदगी महसूस हुई। ये वो कह रही थी, खेलों के प्रति अक्षुद्र असुरक्षित और बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण जिसका उद्देश्य लोगों को एक साथ लाना था, मोदी आरएसएस द्वारा पिछले एक दशक में बनाए गए भारत का प्रतीक है, जिस पर इसको शर्म आ रही है। तो वो नरेंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दे रही थी, वो आरएसएस को गाली दे रही थी, और उसको जवाब जब दानिश करेरिया ने दिया तो यह गौरव भाटिया जहादी बनकर उस दानिश करेरिया के खून का प्यासा हो गया, उसको धमकी देने लगा। और ये आदमी भाजपा का प्रवक्ता है, तो हर भाजपा के प्रवक्ता को, मेरे जैसे हर भाजपा के मतदाता को यह जेपी नड्डा का जूता मारना है कि अगर यह आदमी कल से टेलीविजन पर दिखता है तो, अगर इसको भाजपा प्रवक्ता बना के रखती है तो फिर सीधे सीधे जेपी नड्डा और इस भारतीय जनता पार्टी का सीधा संदेश है कि चूल्हे में गई भाजपा, चूल्हे में गए हम, और चूल्हे में गया इस देश का प्रधानमंत्री, क्योंकि वो प्रधानमंत्री को गाली दे रही थी आरफा खानम, उसके लिए लड़ा दानिश कनेरिया। और यह गौरव भाटिया कह रहा है कि तुमने अगर आरफा खानम के खिलाफ एक शब्द बोला तो तुमको मैदान से उठाकर फेंक देंगे जिस तरह से गेंद फेंकी जाती है। तो ये प्रधानमंत्री, भाजपा, हिंदुत्व, देश के 100 करोड़ नागरिक जिनकी बेइज्जती की थी आरफा खानम ने, उनको इसने ठोकर पर मार दिया। ये अपने उसी समाजवादी चोले में लौट आया, समाजवादी चोले में क्या लौट आया, चोला तो उसने यहां पहना था सत्ता का, ये असली तो वही है जो इसका असली चेहरा सामने आया है। तो इस आदमी के खिलाफ अगर इसको आज भी हिंदुओं की छाती पे अगर लाद के रखेगी भाजपा, तो समझ लीजिए भाजपा के भी क्या मंशा है, और वो भी कहीं गिरगिट की ही तरह है। ये मनीष जी बिल्कुल साफ संदेश होगा, अन्यथा इस आदमी के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कम से कम इसको कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी 100 करोड़ हिंदुस्तानियों और भारत को गाली देने वाली आरफा खानम से जब कोई आदमी लड़ रहा था तो ये जाके आरफा खानम के पक्ष में उस आदमी से क्यों लड़ा। इसका मतलब ये भी उसी गद्दार कौम में है, ये उसी 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 टीम में शामिल है जो मैं कहता हूं ना कि भाजपा में नरेंद्र मोदी की ख्याति पे लदे हुए हैं बैताल की तरह। इसको मालूम है कि सेटिंग बना के रखो, ये उधर सेटिंग भी बना के रखते हैं। आज इसका बड़ा नंगा उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो गया, दर्शक देख रहे हो, मैं कहूंगा ज्यादा इसको करिए कि किस तरह से आस्तीन के साथ प्रधानमंत्री मोदी भाजपा और हिंदुओं की आस्तीन में पल रहे हैं। और अब ये जेपी नड्डा की जिम्मेदारी है कि देखिए इसमें क्या एक्शन होता है, भाजपा इसमें क्या एक्शन करती है। जो आरफा खानम खुलेआम आरएसएस प्रधानमंत्री को ट्वीट में गाली दे रही है, 100 करोड़ हिंदुस्तानियों को गाली दे रही है, उसके पक्ष में ये ताल ठोक रहा बेशरम कहीं का, इसको शर्म नहीं आती? ये इसकी क्या हैसियत थी मनीष जी, इसकी और इसके बाप की क्या हैसियत थी समाजवादी पार्टी में? बहुत अच्छे से जानता हूं, और जिनको ना मालूम हो तो जाकर जरा यूट्यूब पर सुन लीजिएगा, मुलायम सिंह और अमर सिंह की एक टेलीफोनिक वार्ता है जिसमें इसके बाप का भी जिक्र है, और वो किस तरह से अमर सिंह मुलायम सिंह से कह रहे हैं आज ये आदमी मजबूर कर रहा है क्योंकि ये 100 करोड़ हिंदुओं को गाली देने वाली आरफा खानम का वकील बनके एक दानिश कनेरिया से जूझ गया। तो शर्म आनी चाहिए इसको तो क्या कहूँ, शर्म है, लेकिन शर्म आनी चाहिए भाजपा को जो ऐसे लोगों को हिंदुओं की छाती पे लाद देती है। ये आदमी रोज चेहरा बनके आता है भाजपा का, ये आदमी रोज चेहरा बनके आता है भाजपा का, तो इसने तो आज जो कुकर्म किया है दानिश करेरिया का खुलकर विरोध और उसको धमकी देने का आरफा खानम के पक्ष में, तो इसने मनीष जी मुझको लगता है इसने कुछ सेटिंग कर ली है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा की कमर खोद दी जाए, और इसने कमर खोदने में कोई कमर कसर बाकी नहीं रखी है, इसने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। ये आरफा खान मनीष जी, इसको शर्म नहीं आई? वो महिला आज ये छोड़ दीजिए, वो महिला 365 दिन देश के प्रधानमंत्री को, पार्टी को, आरएसएस को, हिंदुओं को किस तरह से गाली देती है, और ये कह रहा है कि मुझे बड़ा गर्व है कि मैं उसके पक्ष में खड़ा हूं और तुमको उठा के मैदान से बाहर फेंक दूंगा। तो सोच लीजिए कैसा आदमी है और कैसे लोगों को इन जेपी नड्डा महाशय ने
पार्टी का प्रवक्ता बना के रखा है, देख लीजिएगा। बिल्कुल सर, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये आप ट्रेन चलाइए रिमूव गौरव भाटिया, इसीलिए क्योंकि आज ये जो जिस महिला के साथ ये खड़ा हुआ है, इसका पहली बार ऐसा नहीं कि वो दानिश कनेरिया के खिलाफ की है, इसका एजेंडा, इसको केरल के मुख्यमंत्री राज्यपाल ने कहा था कि तुम्हें क्या सीरिया पसंद है, तुम्हें क्या लेबनान पसंद है, तुम्हें क्या सूडान पसंद है, पाकिस्तान जाना चाहती हो, क्योंकि इसने उस समय भी कहा था कि इस भारत में अब रहना नहीं चाहती, ये कैसा भारत हो गया है, इसको भारत से नफरत है, इसको भारत की सनातनी परंपरा से नफरत है, और ऐसी नफरती ऐसी भारतद्रोही के साथ यदि प्रधानमंत्री का प्रवक्ता खड़ा होता, क्योंकि ये आमतौर पर टेलीविजन चैनलों पर सरकार का पक्ष लेने आता है, इसीलिए तत्काल रिमूव चलाना चाहिए इसके खिलाफ, इसको कठोरतम सजा होनी चाहिए, और इस देश की जनता क्या चाहती है समझ में आना चाहिए, सामान्य मामला नहीं। दानिश कनेरिया ये पाकिस्तान में रहता दानिश कनेरिया की जगह, तब इसे पता चलता कि क्या होता है हिंदू बनकर के पाकिस्तान और किसी दूसरे राष्ट्र में रहना। कम से कम आदमी का गट्स देखिए कि यहाँ लोग डरते हैं सर, यहाँ सोसाइटियों में लोग डरते हैं कि चार आदमी आपके टावर में आपके सोसाइटी में चार जिहादी आ जाए तो आदमी खौफ में रहते हैं, वो आदमी पाकिस्तान में रहकर कैसा बोल पा रहा है, इसलिए क्योंकि उसने पीड़ा झेला। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये है कि गौरव भाटिया किसके साथ खड़ा हुआ है, दानिश कनेरिया के खिलाफ बोला ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो आरफा खानम के साथ खड़ा हुआ है, ये महत्वपूर्ण है। नहीं नहीं मनीष जी, ये क्या हिंदुस्तान में नहीं रहता, ये क्या टिम्बकटू में रहता कि मंगल ग्रह पे रहता, इसको मालूम नहीं आरफा खानम कौन है। और मैंने आज ही डाला मनीष जी वो आरिफ मोहम्मद खान का भी इंटरव्यू डाला, आरिफ मोहम्मद खान जैसा आदमी भिड़ गया उससे, देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री सबको तो गाली देती है, और उसकी उसके लिए मतलब उसका पक्ष लेके ये ताल ठोक रहा है, आदमी को धमकी दे रहा है कि जैसे मैदान से गेंद फेंक दी जाती है ऐसे तुमको उठा के फेंक देंगे। तो ये मनीष जी इसकी जांच होनी चाहिए, इसको पार्टी नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए कि ये मध्य प्रदेश राजस्थान के चुनाव से पहले ये जो सोरोस की गड्डी आ रही है तो उसमें कहां कहां कौन कौन लोग भाजपा के अंदर सेट किए हैं और कांग्रेस ने सेट किए हैं, जरा इसकी जांच हो जाए, क्योंकि इसका बिना वजह बिना बुलाए इसका तो कहीं जिक्र भी नहीं हो रहा था, ना इसका नाम आरफा खानम ले रही थी, ना इसका नाम दानिश कनेरिया ले रहा था, ये काहे कूद पड़ा, ये क्यों कूद पड़ा, तो इसकी ड्यूटी लगाई गई, इसकी ड्यूटी लगाई गई कि जाओ इस पर कूदो। और ये बहुत महत्वपूर्ण है इसकी जांच करने की, और आपने याद दिलाया तो मैं जरा सुना भी लूं इस जिहादन का, देखिए इसका चेहरा देखिए, और ये राज्यसभा टीवी में हामिद अंसारी इसको लेकर आया था, हामिद अंसारी का चरित्र आपको याद होगा कि 10 साल उपराष्ट्रपति रह करके भी, भारत का उच्चायुक्त रह करके भी कितना जहरीला था वो, अब तो शांत है लेकिन उसके अंदर कितना जहर था, जब वो राज्यसभा का सभापति था, जब वो राज्यसभा टीवी का सर्वे सर्वा था, उसने कैसे कैसे जिहादियों को भरे हुए थे, उसके चैनल उसके राज्यसभा के पद कुर्सी छोड़ते ही ये सब मैदान छोड़ के भागे। लेकिन आरफा खानम जब इंटरव्यू लेने पहुंची थी आरिफ मोहम्मद खान का, तो छोटा सा हिस्सा सुनिए और इसका मोटिव समझ लीजिए कि क्या कुछ करते कैसे आरफा खानम को जीते आए थे। हम ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। आप यमन में जीना चाहती हैं? उन्होंने कहा आप सीरिया में जीना चाहती हैं? मेरा सवाल हाँ बताइए। उन्होंने वायनाड के लिए कहा कि राहुल गांधी वहां चुनाव इसलिए लड़ने गए हैं क्योंकि वहां पर उनको मालूम है कि हिंदू उन्हें वोट नहीं करेगा। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक भी मुसलमान बीजेपी की तरफ से नहीं है, तो आप ये बताइए कि ऐसे दौर में जहां पूरी पॉलिटिक्स एंटी मुस्लिम एक पिलर पर बेस्ड हो, वहां अब तरह के एक रिजिड लीगल सेक्युलरिज्म में ऐसा लगता है कि फंस गए। चलिए ठीक है, आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर जुमे को मस्जिदों में बम फेंके जाते? मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूं। आपने जुमला ये नहीं कहा, मैं हिंदुस्तान आपने को जी नहीं चाहती। जी नहीं, आपने जुमला कहा हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं, इस तरह के जी नहीं आपने जो जुमला कहा है वो कहा हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं, तो आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर हफ्ते हर मस्जिद में बम फोड़े जाते हैं? आप सीरिया में रहना चाहती हैं? आप यमन में रहना चाहती हैं? आप कौन से मुल्क में रहना चाहती हैं जहां लोगों के इंटरेस्ट जो हैं उनके हुकूक महफूज हैं? और मुझे कोई एक मुल्क का नाम बता दीजिए, आप जिस मुल्क में रह रही हैं वो मुल्क वो है जहां देवबंद वालों को इसकी इजाजत है, ये किताब देवबंद में निसाब का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है ये किताब, इसमें जिहाद कुरान कहता है उजीना लिल्लजीना युकातलूना बिअन्नहुम जुलिमु, लड़ने की इजाजत सिर्फ उनको दी जाती है जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है, उन पे जुल्म किया गया है, उनको उनके घरों से निकाला गया है। और देवबंद क्या बताता है जिहाद का मकसद क्या है, और मुझे कोई एतराज नहीं है, कुल 4% बच्चे पढ़ते हैं,
लेकिन ये 4% वो हैं जिनका मस्जिद के मिंबरों पर कब्जा है, वहां से ये तकरीरें कहीं का नहीं छोड़ा इन्होंने, लेकिन इस जिहादन का चरित्र पूरा इसके लिए गौरव भाटिया सामने था। इसके मैं बता दूं मनीष, ये मैंने जब ये वीडियो रीट्वीट किया तो मैंने जो लिखा था दर्शक समझ उस पर आता हूं मनीष जी, कि पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरता द्वारा सेकुलरिज्म के साथ रोजाना किए जाने वाले जघन्य बलात्कारों के प्रत्यक्षदर्शी भुक्तभोगी दानिश कनेरिया ने जब तथाकथित सेकुलर बुढ़िया खाना मारफा को आईना दिखाया तो ये विक्टिम कार्ड खेलने लगी, पर दानिश से पहले आरिफ मोहम्मद खान इसे आईना दिखा चुके हैं। लेकिन मनीष जी आज ये रिट्वीट करके मैं शर्मिंदा हूं कि हम लोग बात कर रहे हैं ये, और ये गौरव भाटिया इसने सबको सबकी इसने नाक काट लिया आज, इसने आरिफ मोहम्मद खान के मुंह पर थूक दिया इसने, ये जरा मनीष जी ने दिखा दिया दर्शकों को, ये अच्छा किया कि आरिफ मोहम्मद खान इस औरत से कैसे बात कर रहे हैं, इसको कैसे नंगा कर रहे हैं, इसके अंदर कैसा जहर भरा है हिंदुस्तान के लिए। ये आरिफ मोहम्मद खान का बड़ा चर्चित इंटरव्यू है तो ये सब जानते हैं, और ये भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनके रोज सजधज के पाउडर लिपस्टिक काजल आजल लगा के बैठ जाता है 5 बजे से 11 बजे रात तक परपंच करता है न्यूज चैनलों पर, इसको तमीज नहीं है कि ये किस जिहादिन की, किस भारत विरोधी की, भारत की दुश्मन की ये आके पैरवी कर रहा है, और पैरवी नहीं कर रहा, लड़ाई में वादा है कि तुमको उठा के फेंक दूंगा। तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये भाजपा तय करे, और ये जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्योंकि ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है, इसको किसी छोटे मोटे आदमी ने नहीं बनाया, ये जरा तय करे कि इस तरह के लोगों को हिंदुओं की छाती पे नाचने के लिए, नंगा नाच करने के लिए तुम अभी भी रखे रहोगे, ये तय करो मिस्टर जेपी नड्डा। तो अगर यही करना है तो फिर यही करना है तो मनीष जी फिर हम लोग भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गाना गाने लगे, जब पार्टी का प्रवक्ता ये कुकर्म कर रहा है तो ये कुकर्म करने से आम भाजपाई या आम समर्थक क्यों करे, आम पत्रकार क्यों बात करे इनकी, इनकी बात करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इनको जाकर उसी जिहादियों का करना है, उससे कहीं सेटिंग में गड़बड़ हो जाए, कहीं वो जो चुनाव से पहले सोरोस का माल आ रहा है उस बंटवारे में कहीं कम ज्यादा ना हो जाए, तो इनको जब ये कुकर्म करना है तो बेकार आम जो वोटर है भाजपा का, आम हिंदू जो है, जो इनको हिंदुओं की पार्टी के रूप में एकमात्र पार्टी देखता है, या संघ के जो 1 करोड़ से ज्यादा स्वयं सेवक है, उनको वो बेकार अपनी जान दे रहे हैं, क्योंकि ये तो आरएसएस को गाली देने वाली के लिए वकील को गौरव भाटिया है, और जो खुलेआम आके सोशल मीडिया के मंच पर लड़ रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस और भाजपा इन सबके और 100 करोड़ हिंदुस्तानियों को भी गाली दे रही, उनको गाली देने वाली का ये वकील है, तो सोच लीजिए कि कैसे जहर के पौधे हिंदुओं की छाती पर भाजपा लगा रही है। बिल्कुल, और इसीलिए बेहद गंभीर मामला है, और जो बात आरिफ मोहम्मद खान कह रहे थे वो समझने वाली है कि कैसे देवबंदों में जहर पाला जा रहा है, और वो बता रहे हैं इस देश में इजाजत दे जा रही है देवबंद चलाने का। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसकी शुरुआत स्वयं योगी आदित्यनाथ करेंगे।